कानून व इंसाफ से मुतालिक कमेटी का इजलास, आजम तारर और लतीफ खोसा में बहस। इस्लामाबाद कौमी असेंबली की कानून व इंसाफ से मुतालिक कमेटी के इजलास के दौरान वजीर कानून आजम नजीर तारर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा एक दूसरे से उलझ पड़े। लतीफ खोसा ने कहा कि हमें अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, नजरसानी दरख्वास्त से ये फैसला रुक नहीं जाता, रोज एक रिव्यू आ रहा है। वजीर कानून ने कहा कि इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। लतीफ खोसा ने बताया कि ज्यादती है इन खवातीन और बाकी अराकीन के साथ जिनको नशिस्तें नहीं दी जा रही। हुकूमत क्या चाहती है? क्या हुकूमत फिर से तसादुम चाहती? वजीर कानून ने कहा कि रोज एक नया रिव्यू आ रहा है और रिव्यू आते रहेंगे। अराकीन को बगैर सुने डीसीट किया गया, ये अभी ऐसे चलता रहेगा। इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि कनवल शोजुब भी दरख्वास्त गुजार थी। आजम नजीर ने कहा कि कनवल शोजुब ने कहा है कि सुनी इत्तेहाद काउंसिल को दे सीट।